सो गाइज, फाइनली हमारा हो चुका है घर का सारा काम। तो आज हमने ब्रेकफास्ट भी घर में ही कर लिए है, क्योंकि आज हम घर के नज़दीकी काट रहे हैं तो वहाँ नहीं ले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो घर का सारा काम निपटा के, नहा धो के, ब्रेकफास्ट करके अब हम जाने लग गए रोज़ की तरह ड्यूटी। तो ड्यूटी के लिए हो चुके हैं हम रेडी ड्यूटी जाने के लिए। चलिए थोड़ा सा मैं बाल आल बना लेती हूँ, फिर चलते हैं ड्यूटी। तो दोस्तों, हम घर से जाने लग गए हैं अपनी वेशभूषा पहन के। यहाँ पे सासू जी थोड़ा सा लकड़ी सुखाने डाल रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं सासू जी और मैं, अम्मा नहीं आ रहे हैं क्योंकि घर का काम करेंगे अम्मा, खाना बनाना, भैंसों को गोट में बांधना। तो आज हम दोनों जा रहे हैं बस। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमको काटने हैं घास, यानी कि गजू। आज तो हम घर के पीछे हैं, घर के नज़दीकी हैं। चलिए फिर दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के हमारे YouTube चैनल पे। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे। तो आज हमको 8:30 हो चुका है, घर से लेट में ही आए सारा काम करके। सासू जी काटने लग गए हैं घास। चलिए फिर दोस्तों, आपको दिखा देती हूँ एक बार आज। तो हमने कल से काटा, जहाँ से आपको काटा हुआ दिख रहा है वहाँ से यहाँ तक। आज हमको काटने हैं गाइस नीचे को, ये फिर ये, शायद 3-4 दिन में हमारा काटना कंप्लीट हो जाएगा। लगता तो ऐसी है, पता नहीं फिर अब क्या होता है। सुबह सुबह आ गई है चटक वाली धूप। चलिए फिर दोस्तों, मैं भी काटती हूँ घास। सो गाइज, अभी मैं घर आई थी, थोड़ा सा काम था घर में, तो मुझे छोटी वाली अम्मा ने केले दे दिए हैं। तो मैं केले वहीं ले जा रही हूँ जहाँ पे हम काट रहे हैं गजू। ये देखिए इतने सारे केले, तो मैं यहीं लेके आ गई हूँ जहाँ पे हम काट रहे हैं गजू। अब हम खाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सासू जी खा रहे हैं आधा आधा, मैं खा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और सासू जी पी रहे हैं चाय और पीछे से है हमारा डॉगी, नींद आ रही इसको। आज पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है घास काटने में। घास भी अजीब ही हो रहा है यहाँ पे, छोटा, और दराती भी नहीं लग रही है। वाशा रसा पटा मिटोन है तेले पटा वे पटा मिटने भी है ये ले पटा मिटने भी न लागणी मन आज, बिल्कुल न लागना मन आज। आज लागना आज ले थक गया कबन बेटे काटन काटन। यहाँ पे कुकुर महाराज के हो रहे हैं मजे, बिल्कुल लेट है आराम से। तो अब हम खा रहे हैं अमरूद, ये देखिए ताईजी लोगों ने दिया था, हम खा रहे हैं अमरूद। पता नहीं कहाँ से लेके आए थे ताईजी लोग।
सो गाइज, फाइनली हमको घास काटते काटते आज हो चुके हैं 15 दिन। तो 15 दिन में लगा दिए हैं हमने 12 लूटे लगा दिए हैं। तो आप देखते हैं कितने दिन तक होते हैं, शायद 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब आजकल तो हम घर के पीछे ही काट रहे हैं नज़दीकी, और खाना खाने भी घर ही जाएंगे दिन में। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल, हाथ भी नहीं लग रहे काटने में, दराजी भी नहीं लग रही है, घास भी बहुत गंदा हो रखा है छोटा छोटा। सासू जी निकालने लग गए हैं दराती की धार, फिर से करते हैं घास काटना स्टार्ट। चलिए फिर गाइस, चलते हैं घास काटने रेस्ट करके। तो दोस्तों, अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट और पानी पीने आ रखी हूँ। सासू जी बांध रहे हैं गजू, ये देखिए इतना बांध रखा है सासू जी ने। सासू जी अभी भी गजू बांध रहे हैं, मैं काट रही थी घास। तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मैं आ गई थी पानी पीने, पानी प्यास भी लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो गाइस, मैं काट रही हूँ नीचे और सासू जी बांध रहे हैं ऊपर को, जो हमने कल काटा था। चलिए फिर दोस्तों, मैंने पानी आने पी दिया है, चलते हैं दोबारा काटने। फिर चलती हूँ थोड़ा सा काटने, फिर घर जाएंगे आज तो लंच करने, क्योंकि घर के नज़दीकी हैं। और अभी हो चुका है टाइम 12:30, थोड़ा सा और काटते हैं फिर चलेंगे घर को लंच करने। चलिए फिर दोस्तों, चलते हैं काटने। सो गाइज, फाइनली हम जाने लग गए घर को लंच करने के लिए। तो सासू जी वहीं से चले गए हैं जहाँ पे गजू बांध रहे थे, ऊपर से मैं जा रही हूँ नीचे से। चलिए फिर दोस्तों, घर चलते हैं, लंच करके आते हैं, फिर काटेंगे घास। तो दोस्तों, हो चुका है हमारा लंच और बर्तन झाड़ू भी हो चुका है, उसके बाद मैंने भैंसों को बाहर भी बांध दिए हैं। अब फिर से चलते हैं ड्यूटी पे अपनी। चलिए फिर गाइज, चलते हैं अब। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं घर से लंच वगैरह करके और बर्तन झाड़ू भी करके और भैंसों को बाहर बांध के। तो हम काटने लग गए हैं फिर से गजू। चलिए फिर दोस्तों, काटते हैं। सासू जी काटने भी लग गए हैं, इतनी भयंकर धूप लगी है। एक तो ये काट रहे हैं ऊपर सासू जी। अब यहाँ को बचा है थोड़ा सा, फिर शाम को घास काटेंगे और गाजियों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो हमने यहाँ पे काट के कंप्लीट कर दिया है गाइज। अब हम जा रहे हैं नीचे यहाँ पे घास काटने के लिए। ये पूरा काट दिया है हमने और कल से जाएंगे हम दूसरी जगह, अभी तो भैंसों के लिए घास काट रहे हैं। आज छुट्टी है उनर आने। तो दोस्तों, हमने ऊपर काट के कंप्लीट कर दिया है, अब हम काट रहे हैं भैंसों के लिए घास। ये काटने भी लग गए हैं सासू जी घास। चलिए फिर दोस्तों, थोड़ा सा घास काट के ले जाते हैं, फिर ऊपर चलेंगे, गाजियों को एक जगह इकट्ठा करना है, फिर और काटेंगे शाम को टाइम होगा तो घास। तो दोस्तों, हम आ गए हैं घर से चाय पानी पी के, अब हमें करना है गाजियों को एक जगह इकट्ठा। तो सासू जी बांधने लग गए हैं। चलिए फिर दोस्तों, अब करते हैं गाजियों को एक जगह इकट्ठा। तो अभी सासू जी जा रहे हैं पहुंचाने, फिर अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में। इतना सारा जो है एक जगह इकट्ठा करने हैं। तो हमने सारा गजू को एक जगह इकट्ठा कर दिया है सासू जी और मैंने। सासू जी को कुमर लग गए हैं, कांटे चुभ गए हैं बहुत सारे। तो अब हम काट रहे हैं गाइस घर के लिए घास, भैंसों के लिए। चलिए फिर काटते हैं घास।
शाम के बजने वाले हैं 5। घर के लिए भैंसों के लिए घास काटते हैं, फिर चलेंगे अभी थोड़ी देर में घर। पसंद हूँ देख रहा। तो दोस्तों, चुकी हूँ घर घास काट के और अम्मा ने लगा दी है सब्जी, लौकी की सब्जी बना रखी है। तो हाथ में धो धा के अंदर आ चुकी हूँ। सो गाइज, फाइनली मैं डिनर करके आ गई हूँ अपने रूम पे। तो मैं जस्ट अभी खा के नीचे आई हूँ। तो आपको मैं बता रही थी कि आज हो गए हैं हमको 15 दिन घास काटते काटते, यानी कि गजू काटते काटते। तो हमने 15 दिन में बाल लूट लगा दिए हैं, ये बात रियल है, सच है। तो आप लोग खाली फेंक रही है मत सोचना। हम गए थे 21 तारीख से, तो आज हैं 5 तारीख, तो हमको हो गए हैं 15 दिन। तो 15 दिन में हमने लगा दिए हैं बाल लूट, चाहे उसमें से छोटे भी हैं बड़े भी हैं जैसे भी हैं, हमने बाल लूट लगा दिए हैं। तो आप लोग खाली फेंक रही हैं मत सोचना, ये बात सच है। तो इतने काम के टाइम में भी आपके लिए समय निकाल के मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तब भी इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कभी तो मन करता है मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तब भी मैं आपके लिए टाइम निकाल के एडिट करती हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ। तो आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है मेरे ब्लॉग पे व्यूज कम आते हैं, पता नहीं क्यों। मेरी 46,000 की फैमिली है, तब भी उसमें से व्यूज़ मेरे 400, 500, 1K बस इतने ही आते हैं, पता नहीं क्यों। कोशिश तो मैं फुल करती हूँ कि अच्छा ब्लॉग बने, तो आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का साथ नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। कभी तो मन करता है कि मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ, इतने कष्ट करते हुए भी, या मुझ में ही कुछ कमी है, मैं कुछ अच्छा नहीं बना रही हूँ, पता नहीं। या आप लोग मुझे बताएं मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ, या आप लोग सपोर्ट करें। मुझे बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, इतना टाइम निकाल के इतने काम के टाइम में भी आपके लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। सो गाइज, फाइनली मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।